इन क्वेश्चन टू जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, ठीक है, अगर वो क्या करता है, फर्स्ट पार्ट में रेड पिगमेंट जो है 75 ml आता है बेस का, जैसे यहाँ पर क्या था 8 था, तो इसकी जगह कितना आ गया 75 ml हो गया, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद, तो हमें बताना है कि रेड पिगमेंट कितना यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर की वैल्यू हमें नहीं पता है कितना है, 1800 ml के अंदर यहाँ पर कितना रेड पिगमेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, इसकी मैं एक टेबल बना लेती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रेड पिगमेंट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेस, राइट। रेड पिगमेंट कितना लिया पहले, पहले पार्ट के लिए कितना है 75 ml, राइट, दूसरे वाला पार्ट में रेड पिगमेंट ही पूछ रहा है, क्योंकि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद कितना ml में, 1800 ml में कितना हमारा रेड पिगमेंट यूज़ किया जाएगा इस मिक्सचर को बनाने के लिए, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेट कर रहे हैं, ए, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसे, 1/75 यानी कि x, x डिवाइडेड बाय y होता है, राइट, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म या फिर नेक्स्ट वाली टर्म जो x1 y2 वाली होती है, तो वो कितना है a डिवाइडेड बाय 1800 ml, राइट। अब हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि 1800 इज इक्वल्स टू कितना 75 a, की वैल्यू निकालनी है तो 1800 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल्स टू a, 75 से ये कट होगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज यूज टू क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ 1800 ml, ठीक है। उस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें कितना पार्ट यूज़ करना होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 24, ओके okay?